எனக்கு அருமையானவர்களே, மேரே பிரிய பரமேஸ்வர் கே லோகோ, இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு உங்கள் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இஸ் ரவிவார் கி ஆராதனா மே ஆப் சபி லோகோ கா ஹம் ஸ்வாகத் கர்தே ஹே. நாம் இந்த நாளிலும் தேவனை துதித்து தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். இஸ் தின் மே ஹம் பரமேஸ்வர் கி இஸ் சப்த கோ சுன்கர் உஸ்கி வச்சன் கோ சுன்கர் பிரார்த்தனா கரெங்கே. இந்த ஆராதனையிலே பங்கு பெறுகிற இதை மறுபடியும் போட்டு பார்த்து பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் விசேஷித்த நன்மைகளை இந்த நாளிலே கொடுப்பார். தோ இஸ் ஆராதனா கோ ஜோ தேக்தே ஹே ஃபிர் சே துபாரா जो चालू जो प्ले करके देखते हैं उन सभी लोगों को परमेश्वर आशीष करेंगे. ஆகவே தொடக்கு முதல் முடி வரைக்கும் இந்த ஆராதனையிலே பங்கு பெறுங்கள். तो शुरुआत से लेकर अंत तक इस आराधना में पूरी तरह से भाग लीजिए. हम எல்லாரும் கண்களை மூடி நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். सभी आंखों को बंद कर लेंगे और प्रार्थना करेंगे. எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே, हमारे प्रिय पिता, இந்த நாளுக்காக ஸ்தோத்திரம். இஸ் தின் के लिए धन्यवाद. இந்த ஆராதனைக்காக ஸ்தோத்திரம். इस आराधना के लिए धन्यवाद. இதிலே பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर इसमें जो भाग बच्चे ले रहे हैं. பரிசுத்த ஆவியானவரே, உம்மை வரவேற்கிறோம். பவித்திர ஆத்மா, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं. நீர் परमेश्वर, आप क्रिया करना. தடைகளை தகர்த்து எறிகிறவர். आप सारी रुकावट को जो दूर करते हो. அற்புதங்களை செய்கிறவர். चमत्कार को जो करते हो. ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரைக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர், you take control of this worship. परमेश्वर, इस आराधना की अगुवाई आप शुरुआत से ले अंत तक करना. I submit all those who are watching this program. परमेश्वर, इस दिन में जो कोई भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी लोगों को मैं समर्पित करता हूँ. और विशेष परमेश्वर, वे इस विशेष एक अद्भुत कार्य को इसमें इस दिन में वे पाए. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता. ஆமென். ஆமென். என கர்மியானவர்களே, மேரே பிரியஜனோ, நீங்கள் தேவனை துதித்து ஆராதித்து மகிழுங்கள். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். तो इस दिन में आप स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए और मगन होइएगा. परमेश्वर आज महान चीजों को आपकी जिंदगी में करेंगे. नाम तुदि आराधिपोमा. चलो हम मिलकर आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे. Praise the Lord. इस दिन में भी तुम सभी का हम स्वागत करते हैं. इस दिन में परमेश्वर तुम्हारे साथ बात करने वाले हैं, परमेश्वर की नाम की महिमा करने वाले हैं और इस दिन में हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करने वाली हैं. तो आइए सब मिलके हम गीतों को गाएंगे, जो से तालियां बजाएंगे. जिस जगह में आप हो उस जगह में आप खड़े हो जाओ, जो से तालियां बजा के जिन गीतों को तुम जानते हो आप मेरे साथ मिलके जुड़ के गा सकते हो. इन दनाली नम कत्तर आराधी का प्रोग्राम इन इतने இருக்கீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்கள் எழுந்து நின்று கரங்களை தட்டி உற்சாகமாக தெரிந்த பாடலை என்னையோடு சேர்ந்து நீங்கள் கூட பார்க்கலாம். முதலாவதாக கிருபை மேலானதே என்ற ஒரு பாடல் பாடுவோம். கிருபை மேலானதே, பரமேஸ்வர் கீ ஜோ கிருபா ஹே வோ ஹமாரி ஜீவன் சே பீ படி ஹே வோ சப்சே ஜாதா ஹோத்தி ஹே. தோ ஆயியே சப் தாலி பஜா கே ஹம் ஆனந்த் கே சாத் இஸ்கோ பீ காயேங்கே. கிருபை மேலானதே, கிருபை
परमेश्वर की कृपा महान है, हर एक समय और हर एक दिन उसकी जो कृपा है हमें तामती है, हमें उठाती है और हमें संभालती है। सो इस दिन में भी और एक गीत को गाएंगे, तुम दिल में ऐसे बस गए हैं, जिंदगी भर मेरे राजा बन गए हैं। तो जो लोग इस गीत को जानते हैं मेरे साथ मिलके ऊंची आवाज में ताली बजा के गाएंगे। आइए सब मिलके इस गीत को गाते हैं। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी ही भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी ही भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जा में होठों पे आँखों में तू है, निकाला जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़ कर हमको आजाद है किया, डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको ईश्वर ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़ कर हमको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी ही भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए, दिल में जावे होठों पे आँखों में तू है, दिल में जावे होठों पे आँखों में तू है, दिल तू ही है, तू ही है, तू ही
अभी भी हम दोनों हाथों को उठाएंगे, हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। इस दिन में भी परमेश्वर महान चीज़ों को तुम्हारी ज़िंदगी में करने वाले हैं। परमेश्वर आज के दिन में जो भी आप चाहते हो, जो भी आप विनती कर रहे हो, बहुत लोग बोल सकते हो कि मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानी है, मुझे मालूम नहीं कि किस मार्ग में जाना है, मुझे मालूम नहीं कि कैसे इस परेशानी से मुझे बच के बाहर आना है करके। परमेश्वर बोलते हैं तुम कुछ मत करना, मैं सब कुछ करूँगा, तुम्हें केवल मेरे ऊपर विश्वास करना है, मेरे ऊपर भरोसा करना है, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मेरे से नामुमकिन है, सब चीज़ों को मुमकिन करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह सब जो बीमारी से, सब परेशानी से, सारे संकट से और सारे जो शैतान के काम से महान है, और वो सारे जो परेशानी बंधन से हमें छुड़ा के परमेश्वर हमें बचा सकते हैं। पर आंड नमर एल्ला प्रचने लंदु एल्ला कवले लंदु एल्ला भयत लंदु एल्ला व्याधि लंदु नमले विडुविच नमले कापात वल्लवराय का नमला नम ओरु विषयते मत्तुम अवर मेल ओन्नु नम नंबरनु अवर मेल ओन्नु अवर नम ओन्नु नेसिकनु अवर नंबी अवर पिन्नाडी नम ओन्नु पोनु अंद वेलेयिल आंड नम वाळ्क्कैयिल पेरिय कारियंगळ सेवा आये सब अभी भी सब दोनों हाथों को उठाएंगे, हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। परमेश्वर का जो प्यार है वो महान है, परमेश्वर की कृपा जो है वो महान है, वो परमेश्वर हर एक व्यक्ति से दुनिया में प्यार करते हैं। तो उसकी ओर देखिए, हम भी बोलेंगे परमेश्वर आज के दिन मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी ओर देखिए, मेरी परेशानी को दूर करना करके। हाथों को उठा के हम उसकी ओर देखेंगे। चाहे बाहर हट जाए यहाँ, तेरा प्यार ना हटेगा कभी। चाहे पहाड़ियां टल जाए यहाँ, तेरा प्यार ना टलेगा कभी। चाहे पहाड़ उठ जाए यहाँ, तेरा प्यार हटेगा कभी। चाहे पहाड़ियां टल जाए यहाँ, तेरा प्यार ना टलेगा कभी। तेरा प्यार कोई बड़ी
जिंदगी में तेरा प्यार हो, तेरा प्यार बढ़ता जाए बढ़ता जाए सदा हो, नामों में मधुर नामे नाम मिलती है, वही जो नाम है जिंदगी हमें जिंदगी देती है, वो जो नाम में हमें चंगाई मिलती है उस नाम में हमें छुटकारा मिलता है। यीशु मसीह के नाम में सारे तो शैतान कांपते हुए जाते हैं, सारा जो बंधन टूट जाता है, वही जो नाम है यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर इस नाम से जो भी पुकार रहे हैं, जो भी इस नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके ज़िंदगी में परमेश्वर आज के दिन उनके सारे बंधन को दूर करके, उनके सारे जो डर को दूर करके, उन सारी बीमारी को दूर करके, आपके नाम से उनको एक चंगाई मिल जाए, आपके नाम से एक जो शांति मिल जाए, आपके नाम से एक आशीर्वाद को उनके जीवन में आ जाए। परमेश्वर आज के दिन में आपके लहू के द्वारा आप चमत्कार कर रहे हो, आपके नाम के द्वारा आप चमत्कार कर रहे हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लगातार हमसे बात करना और हमें इस साल भर चलाना, इस हफ्ते भर चलाना, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमेन। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, देवने नाम आराधित तुदित्त कोंडर करो। इस दिन में हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं। कर्तरे वार्ते केट करे और मुख्यमान और नेरम। अब ये जो समय है परमेश्वर को के शब्द को सुनने का समय है। மனிதன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று இயேசு சொன்னார். तो यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के शब्द से वह हर दिन जीता।
होता है ஆனால் லேக்கின் தேவனுடைய வார்த்தையினால் மனிதன் எப்படி பிழைக்கிறான் என்பதையும் இந்த நாளிலே நாம் பார்க்க போகிறோம் तो इस दिन में परमेश्वर के इस शब्द के माध्यम से परमेश्वर के शब्द के द्वारा इंसान कैसे जीता है இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற செய்தியினுடைய தலைப்பு இப்படி இருக்கிறது आज हम जो संदेश देखने वाले हैं उस संदेश का जो टॉपिक जो है वो ये है நீங்கள் கேட்கிற விதத்தை குறித்து கவனியுங்கள் என்று இயேசு சொன்னார் तो यीशु मसीह ने कहा कि आप जिस तरह से सुन रहे हो उस सुनने के उस ढंग को ध्यान देना Listen or observe carefully what you hear तो हम जो जो चीजों को सुनते हैं उसे गौर से सुनना है और ध्यान देना है कि क्या हम सुन रहे हैं நாம் கவனமாக நாம் கேட்டால் जब हम सावधानी बरत कर ध्यान से जब सुनते हैं என்னென்ன நன்மைகளை கர்த்தர் விசேஷித்த ரீதியிலே நமக்கு தருகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது तो कितनी भलाइयों को परमेश्वर विशेष तौर से हमें देते हैं इसे बाइबल के माध्यम से हम देख पाते हैं सो व्हाट वी हियर वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग व्हाट वी हियर तो हम जो भी सुन रहे हैं उसमें हमें ध्यान देना है कि क्या हम सुन रहे हैं அதைத்தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகிறோம் उसी बात को आज हम देखेंगे லூக்கா 8 ஆம் அதிகாரம் லூக்கா 8வது அத்தியாயம் 18வது வசனத்திலே இயேசு சொல்கிறார் 18வது பதமே இயேசு மசி कहते हैं வசனங்களை சரியாய் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் वचन जो भी कहा जाता है आप सही से उसे रेख मार्क करके அப்பதான் நீ மறுபடியும் நீங்கள் அதை படிக்கும் பொழுது நான் சொன்ன செய்தி உங்களுக்கு முழுமையாய் விளங்கும் तो जब आप दोबारा इस वचन को पढ़ेंगे तब मैं जो संदेश कह रहा हूं उसे இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிற செய்தி கேட்கிற விதத்தை குறித்து கவனியுங்கள் तो यहां सुनने के बारे में यहां पर सुनने के ढंग के बारे में ध्यान देना है 18वां वचनम तो 18वां पद लूका 8:18 लूका 8:18 ஆதலால் நீங்கள் கேட்கிற விதத்தை குறித்து கவனியுங்கள் तो इसलिए सावधान रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो அது சொல்லிட்டு அவர் சொல்கோ தொடர்ந்து சொல்றத கவனியுங்க ध्यान से सुनिए உள்ளவன் எவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा இல்லாதவன் எவனோ அவன் தனக்கு உண்டு என்று அவன் நினைக்கிறதும் அவனிடத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டு போய்விடும் और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है நான் இதற்கு ஒரு இன்னொரு வசனத்தையும் உங்களுக்கு நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு வசன கோ நான் இஸ்கே சம்பந்தமே கேட்கணும் चाहूंगा ஆண்டவர் இதை குறித்து சொல்வதற்கு முன்பதாக 8 அதிகாரத்தில் ஆரம்பத்திலிருந்து அவர் சொல்லி வருகிற ஒரு காரியத்தை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் तो परमेश्वर यहां पर कुछ चीजों को इस अध्याय के 8वें अध्याय के शुरुआत से कह रहे हैं उसे ध्यान देना है அவர் ஓமையாக சில காரியங்களை சொல்லி கொண்டு வருகிறார் तो परमेश्वर दृष्टांत में कुछ चीजों को कह रहे हैं அதாவது வசனத்தை இதயமாக நம்முடைய இதயமாக நிலத்திலே விதைக்கிறதை குறித்து வசனத்தை குறித்து அவர் சொல்கிறார் तो यहां पर परमेश्वर अपने वचन के बारे में कहते हैं हमारे जो हृदय नामक जमीन में जब बोते हैं बोने के बारे में कहते हैं அப்ப ஆண்டவர் இந்த 18வது வசனத்தில் அவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் तो इस 18வது वचन में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं தேவனுடைய வார்த்தையை வசனத்தை கேட்கிற ஒரு விதம் அதை பொறுத்துதான் உன் வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் கிரியை செய்ய முடியும் என்பதை சொல்ல வருகிறார் तो परमेश्वर यहां यह कहना चाहते हैं कि तुम जिस रीति से परमेश्वर के शब्द को सुनते हो उस रीति से तुम आशीर्वाद को पाओगे இன்றைக்கு ஒரு தெளிவை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் तो आज इसके बारे में सही समझ को हम पाएंगे வசனத்தை எப்படி கேட்க வேண்டும் என்பதை புரிந்துகொள்ள முடியும் तो इस बात से हमें पता लगता है कि वचन को कैसे सुनना चाहिए அதைத்தான் வேதத்திலிருந்து நான் சுருக்கமாய் விளக்கி சொல்ல போகிறேன் इसी बात को मैं बाइबल से बहुत आपको कम में कम समय में कहना चाहूंगा நான் முதலாவது சொன்னேன் இந்த 8வது அதிகாரத்தில் ஒரு வசனத்தை இதயமாக நிலத்தில் விதைக்கிறதை குறித்து அவர் சொல்லி வருகிறார் तो यहां पर मैंने पहले कहा कि वचन जो बीज है उसे अपने हृदय नामक जमीन में बोने के बारे में कहा गया है வசனத்தை எப்படி கேட்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நீ பார்க்க வேண்டும் तो वचन को किस रीति से सुनना है इसके बारे में हमें जानना है जरा அந்த 8வது அதிகாரத்திலே 12வது வசனத்தை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஜெம உசி அத்தியாயம்
12 पद में जब हम पढ़ते हैं அவன் விதைக்க அந்த வலியருகே வலியருகே விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்கிறவளாய் இருக்கிறார்கள் கேட்கிறதை குறித்து அவர் சொல்லிக் கொண்டே வருகிறார் तो यहां पर सुनने के बारे में कहा गया है मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना है ஆனால் இந்த வசனத்தை கேட்கும் பொழுது तब जब वे सुन रहे हैं நல்ல கவனமாய் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் ध्यान से वचन को ध्यान கடைசில அவர் முடிக்கும் பொழுது எப்படி முடிக்கிறார் तो परमेश्वर वचन को कैसे समाप्त करते हैं அவர்கள் பலன் கொடுக்கிறவர்களாய் மாறுகிறார்கள் तो आखिर में इस दृष्टांत के आखिरी हिस्से में परमेश्वर कहते हैं कि वसन फल देने वाले बनते हैं அதாவது உண்மையாய் வசனத்தை கேட்டால் यदि हम सच्चाई के साथ वचन को सुने நீங்கள் இதை குறித்து மத்தேயு 13 அதிகாரத்தில் இதை பார்க்க முடியும் इसी के बारे में हम इस कार्य को मत्ती के में देख सकते हैं ஆனால் நான் இன்றைக்கு சொல்லப் போகிற விஷயம் வசனத்தை எப்படி கேட்க வேண்டும் என்பதை குறித்து மட்டும் நான் இன்றைக்கு நான் சொல்லப் போகிறேன் तो आज मैं केवल वचन को किस तरह से सुनना है इसके बारे में हम தேவனுடைய வார்த்தையை எப்படி கேட்க வேண்டும் परमेश्वर के इस शब्द को कैसे सुनना चाहिए நல்ல கவனமாய் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது जब हम ध्यान से देखते हैं நீங்கள் உண்மையாய் கவனமாய் கேட்கும் பொழுது जब आप सच्चाई के साथ ध्यान देकर सुनोगे நீங்க மத்தேயு 13 அதிகாரத்தில் 23 வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மத்தேயு 13ல 23 சொல்கிறார் மத்தேயு 13வது அத்தியாயமே 23வது பத கேட்டா ஹே நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவனோ வசனத்தை கேட்கிறவனும் உணருகிறவனுமாய் இருந்து அவன் எப்படி பலன் கொடுக்கிறான் 100 60 30 என்று அவன் வாழ்க்கையிலே அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் வருகிறது என்று சொல்கிறார் तो वचन में कहा गया है कि जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है कोई 100 कोई 60 गुना और कोई 30 गुना यानी कि इस तरह से जिंदगी में वह फल को लाता है अब தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது जब हम परमेश्वर के इस शब्द को सुनते हैं அந்த வார்த்தையை உண்மையாய் கேட்டிருந்தால் यदि आपने इस वचन को सच्चाई के साथ सुना हो या समझा हो நான் எப்படி கேட்க வேண்டும் என்பதை குறித்து சொல்லப் போகிறேன் अब मैं यहां पर किस तरह से सुनना चाहिए उसके बारे में कहूंगा கேட்டிருந்தால் अगर आप उस रीति से सुनते हो उन வாழ்க்கையில ஃபர்ஸ்டே 100 மடங்கு ஆசீர்வாதத்தோடு நீ வாழ முடியும் 100 மடங்கு நன்மைகளோடு கூட நீ வாழ முடியும் என்று தான் வேதம் சொல்கிறது तो यहां पर लिखा गया है बाइबल कहता है कि यदि आप पहले से इसे सुनकर समझ लेते हैं तो 100% 100 गुना आशीर्वाद के साथ फल को देकर आप जिंदगी जी सकते हो நல்ல புரிந்துகொள்ளுங்கள் ध्यान से समझिए நாம் எந்த அளவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை உள்வாங்குகிறோமோ கேட்டு அந்த அளவுக்கு தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வசனம் கிரியை செய்து மேன்மையை கொடுக்க முடியும் तो अपनी जिंदगी में हम जितने दूर तक हम अपने आप को देखकर ध्यान से सुनते हैं उतने दूर तक हम अपनी जिंदगी में फल को ला सकते हैं அதனால தான் இயேசு சொன்னார் 8 அதிகாரம் லூக்கா 8:18 சொல்றார் கேட்கிற விதத்தை குறித்து கவனியுங்கள் तो इसीलिए लूका के बारे में लूका में हमने पढ़ा था कि हमने जिस रीति से सुनते हैं उसमें ध्यान देना है நிறைய பேர் என்னிடத்தில் சொல்லுவதை நான் கவனி நான் கேட்டிருக்கிறேன் तो बहुत लोग इस तरह से कहते हैं और मैं इसे सुन भी चुका हूं ऐसे சபைகளுக்கு நல்லா போகுறாங்க वे कलीसिया में अच्छे से जाते हैं கூட்டங்களுக்கு போறாங்க वे सभाओं में जाते हैं செய்திகளை டிவில பார்க்கறாங்க யூடியூப்ல கேக்குறாங்க எல்லாம் கேட்க தான் செய்றாங்க वे संदेश को यूट्यूब में संदेश को टीवी में सुनते हैं ஆனால் கேட்ட பிறகு लेकिन सुनने के बाद they are seeing only emptiness in their lives तो उनकी जिंदगी में केवल वे खालीपन का महसूस करते हैं அப்படியானால் வசனத்தில் கோளாரா तो अगर ये है अगर ऐसा है तो क्या वचन में कमी है कोई कमी है वहां வசனத்தில் கோளாறு கிடையாது there is no mistake in the word of god तो वचन में परमेश्वर के वचन में शब्द में कोई भी प्रकार की गलती नहीं வசனத்தை குறித்து வேதம் சொல்கிறது it has the life and the spirit in the word परमेश्वर के वचन के बारे में जब कहा जाता है तो परमेश्वर का शब्द में परमेश्वर की आत्मा और जीवन है
ஆகவேதான் வசனத்தினால் மனுஷன் பிழைப்பான் என்று இயேசு சொன்னார் தோ இசிலியே இயேசு ने कहा परमेश्वर के शब्द या वचन को रखकर इंसान जीता है வசனத்தை எப்படி கேட்க வேண்டும் वचन को किस तरह से सुनना है செய்தியை எப்படி கேட்க வேண்டும் संदेश को कैसे सुनना है உன் வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் வசனத்தின் மூலமா எப்படி கிரியை செய்ய போகிறார் तो वचन के माध्यम से परमेश्वर कैसे आपकी जिंदगी में क्रिया करेंगे वो வாழ்க்கையிலே எப்படி 100 மடங்கு ஆசீர்வாதம் கூட இருக்கிறதே அதை என்றைக்கு நீ அடைய போகிறார் तो आपकी जिंदगी में 100% उस 100 गुना आशीर्वाद को कब आप पाओगे कब उस वह मिलेगा तुम्हें அதனால இயேசு சொல்லும்போது வசனம் இதயத்தில் விதைக்கும்போது சொன்னார் வழியருகே விதைக்கப்பட்ட அந்த விதைக்கப்பட்ட விதையை பிசாசானவன் அவன் கேட்டு போனபொன்ன அவன் போகும்போதுக்கு முன்னால எடுத்துறான் வசனம் இதயத்தில் இருந்து तो इसीलिए वचन में कहा गया है कि जो बीज किनारे रास्ते के सिखड़क के किनारे बोया गया था वह बज को लाने से पहले ही शैतान आता है उसे उठा के लेके चले जाता है Satan's the first enemy is the word of God. शैतान की पहल शैतान का पहला शत्रु क्या है परमेश्वर का वचन उसके लिए शत्रु है Many Christians they don't understand this truth. तो बहुत मसीह इस सच्चाई को नहीं जानते If once the word of God is just inserted into your heart and planted and established then definitely the result will be hundredfold blessing to yadi aap parmeshwar ke vachan ko sun kar samajh kar yadi aapke man mein vah beej ropa jata hai bo ya bo kar jab upaj aati hai to 100% 100 guna aap aashirwad ko usse paoge ye sur bolum poi solla mata yeshu kabhi jhoot nahi bolte hain adanal dhan taavid idellam arindadinal dhan 119th sangeethathile vasanathai kuritha avan evvalavu menmaya ezhudirukkaran to in sab baaton ko daud samajhta hai isliye bhajan sangeetha mein woh kehta hai kitne sundar tarike se if you spend much time with the word of god in meditating the word of god then you will be flourishing and whatever you do you will have the prosperity in your life in every areas in everything तो आपकी जिंदगी में यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे और परमेश्वर के वचन में रोपे जाओगे तो आप एक ऐसे वृक्ष की तरह रहोगे जो नालियों की पानी के किनारे जो उगता है और अपनी फल को देता रहता है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं வசனத்தை கேட்கிற விதத்தை குறித்து கவனியுங்கள் तो वचन के सुनने के उस रीति के बारे को समझिएगा ये ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்ய முடியவில்லை தெரியுமா क्यों हमारे जिंदगी में परमेश्वर अब तक क्रिया नहीं कर पा रहे हैं ஆண்டவர் உன்னை வைக்க வேண்டிய ஸ்தானத்துக்கு உன்னை ஏன் இன்னும் நீ வர முடியாமல் தடுமாறுகிறாய் தெரியுமா क्यों परमेश्वर ने जो जहां आपको लाना चाह रहे हैं वहां तक आप क्यों पहुंचे नहीं अब तक You are very careless in hearing the word of God. आप परमेश्वर के शब्द को सुनने में लापरवाही दिखाते हैं. Okay, how to listen? How you have to listen the word of God? लेकिन अब हम देखेंगे कि किस तरीके से किस तरह से हमें सुनना है தேவனுடைய வார்த்தை எப்படி கேட்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது परमेश्वर के शब्द को किस तरह से सुनना है बाइबल हमसे कैसे क्या कहता है रोमर 10 அதிகாரம் ரோமியோ का निबंध 17 ஆம் வசனத்தை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் उसमें 17வா पद को ध्यान दीजिए 17 ஆம் வசனம் 17வா पद ரோமர் 10:17 ரோமியோ 10:17 ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வருகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது लिखा गया है कि इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है விசுவாசம் கேள்வியினால் வரும் विश्वास जो है प्रश्न के उठाए जाने पर आता है அந்த கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும் अब ये प्रश्न कहां से आता है कैसे उठता है परमेश्वर के वचन को सुनने से वह प्रश्न उठता है faith cometh by hearing and hearing by the word of god तो परमेश्वर का वचन विश्वास जो है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है வசனத்தை கேட்பதினால் वचन को सुनने से விசுவாசம் உருவாகிறது हमारा विश्वास उत्पन्न होता है ஆனாலும் लेकिन फिर भी अनेகருடைய வாழ்க்கையில் இது கிரியை செய்ய விடாமல் இந்த விசுவாசம் இல்லாமல் இருப்பதற்கு காரணம் என்ன
बहुतों की ज़िंदगी में ये वचन काम क्यों नहीं कर रहा और ये वचन की क्रियाओं को हम देख क्यों नहीं पाते हैं। उसके लिए भी एक वचन है எபிரேயர் 4 அதிகாரம் இப்ரானியோ का निबंध 4 अध्याय பாருங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் கவனமாய் கேட்க வேண்டும் उसमें जो लिखा गया है ध्यान से सुनिए எபிரேயர் 4 அதிகாரம் 2 வசனம் இப்ரானியோ 4 अध्याय दूसरा पद இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இஸ்ரவேலி லோகம் के बारे में यहां कहा गया है அவருக்கு பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசத்தை கர்த்தர் வாக்கு பண்ணி இருந்தார் கர்த்தர் அவர்களுக்கு அவர்கள் கானான் தேசத்தை வாக்கு பண்ணி இருந்தார் परमेश्वर ने उनको कानान इस देश को प्रतिज्ञा के तौर में वादा किया ஆனால் அவர்கள் ஏன் அதற்குள் காலேப் யோசுவாவை தவிர வேறு எந்த சந்ததியும் அங்கே பிரவேசிக்க முடியாமல் போனதற்கு காரணம் என்ன तो कालेब और यहोशू इन दोनों के अलावा और कोई भी संतान उसके अंदर क्यों प्रवेश नहीं कर पाए அதற்கு முந்தின ஒரு அதிகாரம் 13 ஆம் அதிகாரம் 19 ஆம் வசனத்திலிருந்து படித்தால் தான் நமக்கு விளங்கும் जब हम तीसरे अध्याय इब्रानियों तीसरा अध्याय 19वें पद से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा 3 ஆம் அதிகாரம் 19 ஆம் வசனம் तीसरा अध्याय 19वां पद ஆதலால் அவிசுவாசத்தினாலே அவர்கள் அதில் பிரவேசிக்க கூடாமல் போனார்கள் என்று பார்க்கிறோம் என்று அங்கே எபிரேய அங்கே எபிரேய இந்த புத்தகத்தை எழுதினவர் சொல்கிறார் तो इब्रानियों के निबंध में हम इस तरह से देख सकते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके நல்லா கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க ध्यान से सुनिए பாருங்க ஆண்டவர் பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசத்தை அவர்களுக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு வாக்கு பண்ணி இருந்தார் तो परमेश्वर ने मधु और दूध बहने नदी वीत की नदियां बहने वाली एक कानान देश को परमेश्वर ने वादा किया था நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள் ध्यान से सुनिए ஆனா ரெண்டே குடும்பம் தான் அங்கே பிரவேசிக்கு लेकिन दो परिवार के लोग केवल वहां पर प्रवेश कर पाए மற்ற எல்லாரும் மனாந்தரத்திலே செத்தார்கள் என்று அந்த 17 ஆம் வசனத்திலே நீங்கள் படிக்க முடியும் तो हम 17वां पद में पढ़ सकते हैं कि बाकी के सभी लोग वहां पर जो उस जंगल में वे मर गए ஆனால் எதற்கு போகல அவங்கள வே क्यों प्रवेश नहीं कर पाए பாருங்கள் அவர்கள் அவிசுவாசத்தினாலே உங்கிய விசுவாஸ் के कारण எப்படி அந்த அவிசுவாஸ் அந்த அவிசுவாஸ்த்தை என்னவென்று எப்படி என்று சொல்கிறது வேதம் अब ये अविश्वास को वचन क्या कहता है அததான் 4 அதிகாரம் 2 வசனத்தில் சொல்றார் 4th அத்தியாய के दूसरे पद में कहते हैं ஏனெனில் சுவிசேஷம் அவர்களுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டது போல நமக்கும் அறிவிக்கப்பட்டது हमने उन्हीं के समान सुख समाचार को सुना सुख समाचार सुनाया गया மோசேயின் மூலமாய் நியாய பிரமாணம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது மூசா के माध्यम से वादा जो है प्रतिज्ञा उनको दी गई அது பழைய ஏற்பாட்டின் சுவிசேஷம் अब ये पुराने नियम का सुख समाचार है பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசம் வாக்குத்தத்தமாய் இருந்தது तो उस जमाने में मधु और दूध बहने के बहने वाली कानान देश को परमेश्वर ने वादा किया நல்ல கவனியமாய் நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் ध्यान से सुनना அவர்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டது उनको यह सुख समाचार बचा प्रचार किया गया இன்றைக்கும் 2000 ஆண்டுகளாக இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டு கொண்டே தான் இருக்கிறது आज भी 2000 सालों से यीशु की वह सुख समाचार का प्रचार किया जा रहा है அதான் சொல்ல நமக்கு அறிவிக்கப்பட்டது हमें भी प्रचार किया गया ஆனால் लेकिन அடுத்த வார்த்தை கவனிக்கணும் अगले शब्द को ध्यान देना கேட்டவர்கள் पर सुने हुए சுவிசேஷத்தை கேட்டவர்கள் जिन्होंने वचन को सुना इस समाचार को सुना அது எப்படி கேட்டார்களாம் उन्होंने कैसे सुना விசுவாசம் இல்லாமல் கேட்டபடியால் सुनने वालों के मन में विश्वास नहीं था அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் கேட்ட வசனமே அவர்களுக்கு பிரயோஜனப்படவில்லை पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ நல்ல கவனிச்சு பாருங்க ध्यान से सुनिए இன்னைக்கு உங்க நம்ம ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கை நாமே ஆராய்ந்து பார்த்து கொள்ளலாம் तो हम हर एक की जिंदगी को खुद जांच के देखना है நான் உங்களை I kindly request every Christian my dear brothers and sisters मैं हर एक मसीही को विनती करता हूं why god is not able to do something in your life क्यों परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते ஆண்டவரால் ஏன் உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு உயர்வு இல்லை
आपकी जिंदगी में परमेश्वर एक ऊंचाई को क्यों नहीं दे पा रहे? ये வாழ்க்கையில நீ ஒரு வெறுமையவே இப்பொழுது உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறாய். क्यों आपकी जिंदगी में एक खालीपन का महसूस आप करते हो? Why நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையில எந்த காரியத்தை எடுத்தாலும் ஒரு தோல்வியை ஏன் காண்கிறாய்? क्यों आपकी जिंदगी में कोई भी विषय को जब आप लेते हैं आप उसमें हार को केवल दिखते हैं? நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. बहुत लोग कहते हैं என்னால ஜெபிக்க முடியல. हमेशा देखो मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा. ஆண்டவருக்காக வாழ முடியல. मैं कभी भी परमेश्वर के लिए जी नहीं पा रहा हूँ. 10 वर्ष ஆச்சு. 10 साल बीत चुका है. 20 वर्ष ஆச்சு. 20 साल बीत चुका है. But I am in that low standard spiritual level. लेकिन मैं वही एक सामान्य बहुत कम परमेश्वर की जो आत्मिक स्थिति में हूँ. ये क्यों? ये क्यों ऐसे हैं? நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள். ध्यान से सुनिएगा. You are very much careless in hearing the word of God. आप जो है परमेश्वर के इस वचन को सुनने में बहुत ज्यादा लापरवाही. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வனாந்திரத்திலே மாண்டு போனதற்கு காரணம் यह इजरायली लोग उस रेगिस्तान में या जंगल में नाश हुए उसका वजह வசனத்தை கேட்டார்கள் ஆனால் விசுவாசம் இல்லாமல் கேட்டார்கள். वचन को उन्होंने सुना लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं रहा. அதனால इस वजह से தேவனுடைய வசனமே அவர்களுக்கு பிரயோஜனப்படாமல் போயிற்று. तो इस वचन में हमने पढ़ा कि उनके सुने हुए वचन परमेश्वर का वचन से उनको लाभ ना हुआ. நான் வேதத்திலிருந்து சில காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். मैं बाइबल से कुछ चीजों को आपको समझाना चाहूंगा. சிலர் வேதத்தை சிலர் கேட்ட விதத்தை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். अब कुछ लोगों के सुनने के उस रीति को हम यहां ध्यान से देखेंगे. சுருக்கமாய் சொல்லி முடிக்க போறேன். बहुत कम समय में मैं कहना चाहूंगा. நல்ல கவனிச்சுக்கங்க. ध्यान से सुनिए. வசனத்தை செய்தியினை கேட்கும் பொழுது जब आप वचन को संदेश को सुनोगे தேவனுடைய வார்த்தையினை படிக்கும் பொழுது जब आप परमेश्वर के इस वचन को पढ़ोगे நீ நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு அதோடு இன அந்த வசனத்தோடு இணைந்து பார் உன் வாழ்க்கை வித்தியாசமாய் மாறும். आप भरोसे के साथ आप विश्वास के आप जो है भरोसे के साथ जब आप उस वचन के साथ जुड़ जाते हो तो वह तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद को लाता है. நான் உனக்குனு சொல்லட்டா. मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा. நீ எதை குறித்தும் கவலைப்பட மாட்டாய். आप किसी भी कार्य को लेकर चिंतित ना होंगे. உன் எதிர்காலத்தை குறித்து you will never worry about your future. आप अपने भविष्य को लेकर कभी चिंतित नहीं होंगे. Because you know what is your future. क्योंकि आप जानते हैं कि आपका भविष्य क्या है. How do you know? कैसे आपको पता चलेगा? Because you heard the word of God. क्योंकि आपने परमेश्वर के उस शब्द को सुना है. You have the faith in the word of God. आप परमेश्वर के उस वचन पर आपका विश्वास है. அதனால உன் எதிர்காலத்துல என்ன நடக்கும் வசனத்தில் இருக்கிறதை நீ நம்புகிறபடியால் நீ பயப்பட மாட்டாய். உன் எதிர்காலம் உன் கையில் இருக்கிறது. आपने वचन में जो है उस पर आप भरोसा कर रहे हैं इस वजह से आप किसी चीज से नहीं डरोगे क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथों में है. நான் இன்னொரு காரியத்தை சொல்கிறேன். मैं और एक बात बताना चाहूंगा. வசனத்தில நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு ஊறி போனவர்கள் they themselves will design their future. जो वचन को और उस विश्वास में भरोसे में जो डूब चुके हैं वे खुद उस वचन को साथ रखेंगे और किसी से नहीं डरेंगे. Because they are soaked into the word of God. क्योंकि वे परमेश्वर के उस वचन पर वचन से भीगे हुए हैं. Many people they are lightly worldly with the word of God. बहुत लोग जो हैं आसानी से परमेश्वर के शब्द को मानते हैं. லூக்கா 7 அதிகாரம் லூக்கா 7வது அத்தியாயம் இங்க ஒரு பிரஜாதியான மனுஷனை பாருங்கள். तो यहां पर एक अन्य जाति को देखेंगे. இவனுடைய வாழ்க்கையில தேவன் செய்கிற ஒரு பெரிய அற்புதத்தை பார்த்து இன்றைக்கு நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். इसकी जिंदगी में परमेश्वर ने जो चमत्कार की है उसे देखेंगे और आज मैं समाप्त करूंगा. லூக்கா 7 அதிகாரம் லூக்கா 7வது அத்தியாயம் அங்க நீங்க பார்க்கும் பொழுது நூற்றுக்கு அதிபதி இரண்டாம் வசனத்தில் நீங்க பார்க்கும் பொழுது அங்க நூற்றுக்கு அதிபதியாகிய ஒருவனுக்கு பிரியமான வேலைக்காரன் வியாதிப்பட்டு மரண அவஸ்தைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான். सुबहेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था. பாருங்க ரொம்ப சீரியஸ் கண்டிஷன்ல இருக்கறான். बहुत एक सीरियस कंडीशन में था. ஆங்கிலத்துல சொல்ல இஸ் அபவுட் டு டை. तो लिखा गया है वो मरने पर है.
அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கறான் அப்ப ऐसी एक स्थिति में है ஆனால் இந்த நூற்றுக்கு அதிபதிக்கு ரொம்ப பிரியமான ஒரு நல்ல வேலைக்காரன் அப்ப இலேக்கின் ये जो दास है बहुत प्रिय है बहुत प्रिय है सुबेदार का மூணாம் வசனத்தை நீங்கள் கவனமாய் கவனிக்க வேண்டும் இந்த तीसरे शब्द को ध्यान से सुनिए அவன் இயேசுவை குறித்து when he heard about Jesus Christ. तो यहाँ पर लिखा गया है इसे ध्यान से सुनिए उसने यीशु की चर्चा सुनकर नल्ला तेरिंजिकांगे ध्यान से सुनिए வேதத்தில் சிலபர் கிறிஸ்துவின் உபதேசம் என்று ஒன்னு சொன்ன எழுதப்பட்ட கிறிஸ்துவின் உபதேசம் एक तसलोनियों के निबंध में लिखा गया है मसीही के समाचार जो हैं यीशु चलो में राज्य सुविशेष में यीशु ने कहा कि ये राज्य की समाचार है நற்செய்தி என்று சொன்னார் சுக் சமாச்சார் கஹ பாருங்க ध्यान दीजिए இயேசுவை குறித்து பிரசங்கிக்கப்படுகிற அந்த வார்த்தைகள் தான் தேவனுடைய வார்த்தைகள் இயேசு மசீ के बारे में जो शब्द का प्रचार किया जाता है वे परमेश्वर के शब्द हैं இயேசுவை குறித்து இயேசு के बारे கேள்விப்படுகிறார் वह चर्चा सुनता है கேள்விப்படுகிறார் वह चर्चा सुनता है இஸ் ஹியரிங் கவனிக்கணும் அதை ध्यान दीजिए यहां அவன் கேட்ட உடனே ஜெசி சார் சர்ச்சா சுந்தா உடனே அவன் எப்படி கேட்டிருப்பான் அப்ப உஸ்னே கேசே சர்ச்சா விசுவாசத்தோடு கேட்கிறான் विश्वास के साथ सुनता அதுக்காக தான் அங்க கீழ நீங்க படிக்க முடியும் तो इसीलिए नीचे पढ़ सकते हैं அப்ப அவன் கேட்ட பொழுது जैसे उसने सुना அவருக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் உருவாகி விட்டது अब उसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हो गई இதுதான் ரோமர்ல படிச்சோம் यही रोमियो में हमने पढ़ा அங்க அங்க விசுவாசம் கேள்வியினால் வருகிறது வசனத்தை கேட்பதினால் வருகிறது वचन विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन को सुनने से वह आता है இன்னும் வசனத்தை நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு கேட்கும் பொழுது விசுவாசம் நமக்குள் பெருக ஆரம்பிக்கிறது और परमेश्वर के वचन को भरोसे के साथ जब हम सुनते हैं तो विश्वास हमारे अंदर बढ़ने लगता है இங்க பாருங்க நான் देखिए கேட்ட உடனே जैसे ही वह सुनता அவன் வந்து தன் வேலை அவர் வந்து வேலைக்காரரை குணமாக்க வேண்டும் என்று அவரை வேண்டிக்கொள்ளும்படி யூதருடைய மூப்பரை அவரிடத்தில் அனுப்ப உடனே அவன் செயல்படுற செயல் பாருங்க उसके काम को देखिए यहूदियों के कही प्रचारनियों प्राचियों को से उन्होंने ऐसे विनती कर किया कि प्रचना प्रिय प्रचना है बहुत बड़ी समस्या है सीरियस अमन साग पोरा बहुत मरने पर है ये इसका दास इंद्रनेत्र यीशु को कुरित केली पड़ रहा अब ऐसी समय में यीशु की चर्चा सुनता है जैसे सुनता है अब इन्हें सुन रहा क्या कहता है यीशु इंग वंदु यन्ने ये वैला कारण गुणमाकटून सुन रहा हम बारंगे वह यहूदों को बेचता है कि यीशु उसके पास आकर उसके दास को छूकर चंगा करें அப்ப இயேசு இடத்துல போய் அந்த மூப்பர்கள் இப்படி ஒரு மனுஷன் நல்ல மனுஷன் நமக்கு தேவாலயத்தை கட்டி கொடுத்திருக்கான் அவன் உங்களை அவனுடைய வேலைக்காரன் சுகவீதமா இருக்கான் நீங்க வந்து சுகமாக்கணும்னு சொல்லி அவ இயேசு இடத்துல கேக்குற போறாங்க तो यीशु के पास वे सभी लोग आते हैं और विनती करते हैं कहते हैं कि वह हमारे वह योग्य है और उसने हमारे लिए आराधनालय को बनाया है ஆறாம் வசனத்துல படிச்சீங்கன்னா और छठवें पद में यदि पढ़ें यीशु அவர்களுடனே கூட போன அவர் இயேசு திரும்பி இயேசு வந்துட்டு இருக்கு அவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கார் तो यीशु मसीह इन सब के बातों को सुनकर यीशु आते हैं எப்பொழுதும் விசுவாசம் இயேசுவை உன் பக்கமாய் இழுத்து கொண்டு வரும் तो हमेशा विश्वास आपकी ओर आकर्षित करकर आपकी ओर ले आता है अविश्वासम अविश्वास येसुவை செயல்பட விடாமல் ஆக்கி விடும் यीशु को आपकी जिंदगी में काम करने नहीं देगा இது இதுல கவனம் செலுத்தி யார் கவனம் செலுத்துறார்களோ अब इसमें जो कोई भी ध्यान देते हैं நீ 1000 பா நீ ஒரு நாளைக்கு 100 சாப்டர் படிக்கலாம் आप चाहे एक दिन में 100 वह अध्याय को पढ़ें நீ ஒரு 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 வாரத்துக்கு 100 செய்திகளை கேட்டிருக்கலாம் आप एक हफ्ते में 100 संदेशों को सुना होगा ஆனால் लेकिन கேட்டதில் எத்தனை வசனத்தை நீ உண்மையாய் நம்பினாய் விசுவாசித்தாய் तो इस जितना आपने सुना है उसमें आपने कितने वचन को सुना है सच्चाई से विश्वास किया அந்த அடிப்படையில் தான் उसकी बुनियाद में उन வாழ்க்கையில 100 60 30 மாய் பலன் உண்டா तो आपकी जिंदगी में 100 गुना और 60 और 30% அது whether it is healing whether it is financial blessing whatever it is तो वह चाहे बीमारी से चंगाई रहे या भौतिक आशीर्वाद यानी कि रुपयों की परेशानी से मुक्त पाए ये सब चाहे कुछ भी रहे उठने यीशु வந்துட்டு இருக்கறாரு பாருங்க अब देखिए यीशु साथ-साथ चल रहे हैं வந்து உடனே तब लिखा गया है अब வீட்டுக்கு சமீப பக்கத்துல வந்துட்டார் जब यीशु उसके घर से बहुत
थोड़ी दूर पर से அவர் வரும்போது இவன் இன்னொரு கொஞ்சம் பேர் அனுப்பி விடுறான் तो और कुछ लोगों को बेचता है அவன் சொல்றான் कहता है நீ எங்க வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு நான் தகுதி இல்ல परमेश्वर आप मेरे घर आए ये इसके लिए मैं योग्य नहीं நீ நானு அம்மா கிட்ட வருவதற்கு தகுதியான நினைக்கல परमेश्वर मैं इतना योग्य नहीं समझता ஏழாம் வசனத்தை பாருங்க சாத்வே பத் में நான் உம்மிடத்தில் வரும் என்னை பாத்திரவனாக நான் எண்ணவில்லை मैंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि मैं तेरे पास आऊं நல்லா புரிஞ்சுகாங்க டான்ஸ் सुनिए he understood the power of his word तो यह सुभेदार जो है यीशु के उस शब्द के अंदर की शक्ति को समझता அவன் சொல்கிறான் वह कहता है ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்ல परमेश्वर आप अपने एक शब्द को कहिए say one word आप एक शब्द को कहिए அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் சுஸ்தமாவான் तब मेरा जो दास ठीक होगा வார்த்தையின் மேல் இருக்கிற அந்த விசுவாசத்தை பாருங்கள் उस शब्द में जो विश्वास था उसे आप देखिए இதை கேட்ட உடனே இயேசு என்ன சொல்றார் பாருங்க இயேசு सुनते ही यीशु क्या कहते हैं இயேசு இவைகளை கேட்டு அவனை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார் अब यीशु इन बातों को सुनकर उसके उसको सुनकर चौक गए He was astonished and wondered about this man तो वे हैरान हो गए चौक गए आश्चर्यचकित हुए इस விசுவாஸ் கோ தேக்கர் அவன் திரு இயேசு திரும்பி பார்த்து தனக்கு பின்னால ஒரு கூட்டம் வசனத்தை கேட்டுட்டு கூடவே வந்துட்டு நம்பாம வருது ஒரு கூட்டம் அத பார்த்து சொல்லுகிறா तो यीशु पीछे मुड़कर जो झुंड उसके पीछे विश्वास के बिना आ रहे थे उनको देखकर कहते हैं நீ எவ்வளவு இயேசு பின்னால போறாய் என்பது முக்கியமல்ல आप कितने दूर तक यीशु के पीछे गए वो मुख्य नहीं நீ எத்தனை வருஷமாய் நீ சபைக்கு போகிறாய் என்பது முக்கியமல்ல आप कितने सालों से कलीशा में जा रहे हैं ये मुख्य नहीं நீ எத்தனை வருஷமாய் ஊழியம் செய்கிறாய் என்பது முக்கியமல்ல आप कितने साल से सेवा में लगे हैं सेवा कर रहे हैं मुख्य नहीं எத்தனை ஜெனரேஷன் கிறிஸ்டியனாய் இருக்கிறாய் என்பது முக்கியமல்ல आप कितनी पीड़ा से कितनी कितने साल से कितने संतान आपके मसीही हैं ये मुख्य नहीं தேவனுடைய வார்த்தையில் உன்னுடைய பங்கு உன்னுடைய விசுவாசத்தின் பங்கு எப்படி இருக்கிறது लेकिन परमेश्वर के उस शब्द में तुम्हारा विश्वास किस तरीके से हैं அந்த அடிப்படையில் தான் उसी के बुनियाद पर வாக்கில 100 மடங்கு 60 மடங்கு 30 மடங்கு பலன் கட்டாயம் உண்டு तो आपकी जिंदगी में 100% और 30 60 गुना आशीर्वाद को आप पाओगे उठने அவர் பின்னால் அவர்கள் ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் तुरंत यीशु पीछे मुड़कर जितने लोग आते हैं उनको देखकर कहते हैं அந்த வார்த்தையை நான் அண்டல் மேம் பைபிள்ல நான் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் अब मैं इस शब्द को अपने बाइबल में रेग मार्क कर रखा हूं இஸ்ரவேலர்களுக்கும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்று நவே பதமே कहते हैं कि मैंने तुमसे कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया இன்றே இஸ்ரவேலர்கள் யார் आज इजरायली कौन है இன்றே இஸ்ரவேல கிறிஸ்தவர்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது तो आज के इजरायली मसीह है करके लिखा गया பைபிள் கையில வச்சிருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்கிறது பைபிள் को जो अपने हाथ में थाम कर चलते हैं அவர்களுக்கு தான் சொல்கிறார் उनको देखकर कहते हैं இந்த பிரஜாதி மனுஷனுக்கு இருக்கிற இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை உங்களிடத்தில் நான் பார்க்கவில்லை इस अन्य जाति के पास जो विश्वास इतने दूर तक है ऐसे किस्म की विश्वास को मैंने तुम में नहीं पाया इन வார்த்தையை படிக்கிறீர்கள் கேட்கிறீர்கள் எல்லாம் செய்கிறீர்கள் आप मेरे शब्द को पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन सब करते हैं all things you do without faith that's all लेकिन आप सब चीजों को बिना कोई विश्वास के करते हैं दैट इज व्हाई देयर इज नो रिजल्ट इन योर लाइफ इस वजह से आपकी जिंदगी में कोई भी प्रकार का प्रतिफल को नहीं पाया That is why there is no prosperity in your life. तो इस वजह से आपकी जिंदगी में आप फूले नहीं फले नहीं आप हष्ट फष्ट नहीं हुए That is why there are many many blessings that you are lacking even though you pray you are praying and praying and praying. लेकिन इस कारण आपके प्रार्थना करने के बावजूद भी आप इसी स्थिति में हैं நல்ல தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ध्यान से सुनिए இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை इस तरह के विश्वास को It's a special faith in another translation. It's an excellent faith. तो और एक translation हमसे कहता है कि ये जो किस्म का जो विश्वास है बहुत उत्तम है. वार्तायन मेल विश्वास. शब्द पर विश्वास करना. नहीं पढ़ी कर वो एक वचन थे ये मुन्ना लंबा मुड़ियुमा. क्या आप जो वचन पढ़ते हैं उस हर एक वचन पर आप विश्वास कर पाते हैं? உன்னிடத்தில் உனக்கு ஆண்டவர் சொன்ன வாக்கு தத்தங்கள் அப்படியே நடக்கும் என்று உன்னால் நம்ப முடியுமா 100 மடங்கு பரமேஸ்வர் ने जो वचन दिया है उस प्रतिज्ञा के ऊपर
आप पूरी तरह से पूरे मन के साथ विश्वास कर पाते हैं? All are weak in faith sometimes. देखिए हर कोई कभी-कभार विश्वास में टल जाता है. But we have to develop our faith more and more. लेकिन आपके अंदर की इस विश्वास को प्रतिदिन हमें बढ़ाना है. येना कर्मियान देवनुडे पुले. मेरे प्रिय परमेश्वर के जनों. येना कर्मियान सगुदनी सगुदनी. मेरे प्रिय भाई और बहनों. नान उनक खाके जेबी के पोगरे. मैं अब इस वक्त में प्रार्थना करूंगा. नरी अभिषेकली नान सोली कुंड पोगला. बहुत विषय आपको कहते हुए जा सकता हूं. But I'm going to pray. With the prayer of fervent. तो मैं आपके पास विश्वास की उस प्रार्थना को करना चाहूँगा. Because I am very much concerned about the Christians. क्योंकि मैं मसीही लोगों के प्रति बहुत चिंतित हूँ. I have seen many Christians. मैंने बहुत मसीहों को देखा है. They are always lamenting. They are always lamenting. वे हमेशा बड़बड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं. They are always crying. वे हमेशा रोते हैं. They are speaking always the hopeless words. वे हमेशा बुरी अपने आप को नाकाम करने वाली शब्द का प्रयोग करते हैं. Why? क्यों? Because they don't believe what they hear. क्योंकि वे जो सुनते हैं उसके उस पर भरोसा नहीं कर पाते. याना कर्मियान सगुदनी सगुदरी. प्रिय भाई और बहनों. उन्हें अनबोड़ केट कोला. मैं आपसे प्रेम से विनती करूंगा. वचनते नंबी पड़गे. आप वचन पर भरोसा रखिए. वाक्तत्वते पुडित कोल. आपके प्रतिज्ञा को पकड़ लीजिए. अब्राहम ई कुरितु रोमरा नालाम अधिकारத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. अब्राहम के बारे में रोमियो के निबंध में कहा गया है. ஒன்று மே சாத்தியம் இல்லாமல் இருந்தபொழுதும். जब उसकी परिस्थिति उसको मना कर रही थी. वाक्तत्वम பண்ணினவர் இதை செய்ய வல்லமை உள்ளவர் என்று நம்பி விசுவாசத்தில் வல்லமானான். जिसने वादा किया है वह करने के लिए विश्वास से योग्य है, उस पर भरोसा किया और विश्वास में वह स्थिर बना. आज एक निर्णय हम लेंगे. मनुष्य नपतिनाल मात्रमल्ले. इंसान केवल रोटी से नहीं. தேவனுடைய பைபிள்ல எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் தான் நான் பிழைக்க முடியும். கடைசி நாட்களிலே शब्द पर शब्द में जो हर एक शब्द लिखा गया है उसी के माध्यम से वह बचेगा, जिएगा. I say a prophecy right now. मैं अभी इस वक्त में भविष्यवाणी करना चाहूंगा. कई नाटकलिले ஆண்டவருக்காய் நிலைநிற்க போகிறவர்கள் யார் தெரியுமா? पर आखिरी समय में कौन परमेश्वर के लिए टिक पाएंगे? எத்தனை உபத்திரவங்கள் வந்தால், எத்தனை பாடுகள் வந்தால், எத்தனை போராட்டங்களை வந்தாலும் நிலைத்து நின்று ஜெயிக்க கூடியவர்கள் யார் தெரியுமா? कितनी समस्याएं, कितनी विपत्तियां, कितनी कष्ट आए, क्लेश आए, इन सब में टिकने वाले कौन हैं? வசனத்தை நம்புகிறவர்கள். जो वचन पर भरोसा करते हैं. வார்த்தையின் மேல் முழு விசுவாசத்தை வைத்து பழகுகிறவர்கள். जो शब्द पर पूरी विश्वास को रखकर सीखते हैं. அவர்கள்தான் ஜெயிக்கிறவர்களாய் ஆவார்கள். वे जीत जयवंत होंगे. வேதம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है. உங்கள் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். तुम्हारा जो विश्वास है, विश्वास संसार को जीतता है. எது மேல? किस पे? நீ கேட்கிற வார்த்தையின் மேல. तुमने जो शब्द सुना है उस पे. जो आप जब आप सुनते हैं किस रीति से सुनते हो ध्यान देना है. हमारे प्रिय परमेश्वर இந்த நாளிலாகிலும் இஸ் தின் மே கம் சே கம் இந்த வேதத்தின் பொக்கிஷத்தை புரிந்துகொள்ள வேஸ் பைபிள் கி இஸ் பக்ஷிஷ் கோ ஜ சமஜ் லே இந்த முத்துக்களை தன்னுடையதாய் மாற்றிக்கொள்ள परमेश्वर इन मोतियों को अपना बनाए. ஒவ்வொருவர் குள்ள ஒரு விசுவாசம் வரட்டும் பா. परमेश्वर हर एक के अंदर विश्वास आए. நாங்கள் எல்லோரும் பலவீனமானவர்கள் தான். परमेश्वर हम सभी निर्बल कमजोर हैं. ஆனாலும் எங்களுக்கு உம்முடைய பலன் வேண்டும். परमेश्वर आपकी शक्ति सामर्थ्य की आवश्यकता है. இதை கேட்டு கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருடைய ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில ஒரு புது பலன் வேண்டும் ஆண்டவரே. परमेश्वर जो कोई भी इसे सुन रहे हैं उनकी जिंदगी में एक नए बल की जरूरत है. ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். परमेश्वर आप एक शब्द कहेंगे काफी है. இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையும் மாறிவிடும் எங்கள் வாழ்க்கையில. परमेश्वर कितनी भी बड़ी समस्या रहे वो बदल जाएगी. ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். परमेश्वर आप एक शब्द कहेंगे काफी. எங்கள் வாழ்க்கை எல்லாம் பொன்னாக மாறிவிடும். हमारा जीवन सुनहरा बन जाए. நீ ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். आप एक शब्द कहेंगे काफी है. நாங்கள் நீடித்த நாட்களால் வாழ முடியும். परमेश्वर आप बहुत लंबी जीवन நீ ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். परमेश्वर आप एक शब्द कहेंगे काफी है. சாத்தானை நம்முடைய தந்திரங்களில் நாங்கள் ஜெயித்து மேற்கொள்ள முடியும். परमेश्वर शैतान और उसकी चालों को हम जीतेंगे और जी सकते हैं. अनेक आत्माக்களை நாங்கள் ஆளையப்படுத்த முடியும். परमेश्वर हम बहुत आत्माओं को जीत पाएंगे. We need the word of God. परमेश्वर आपके शब्द की जरूरत है. We need the faith, the strong, confidential faith on the word of God. परमेश्वर आपके अंदर की वह दृढ़ विश्वास की जरूरत है. ஒவ்வொருவருக்கும் தாரம். हर किसी को देना. இப்பொழுது விசுவாசிக்கிற எல்லாரும் சுகமடைவார்களாக. परमेश्वर अब जो विश्वास करते हैं वे ठीक हों. பலனடைவார்களாக. बल को पाएं.
சுகமடைவார்களாக சங்காய்க்கு பாய் அற்புதம் நடப்பதாக சமத்கார் ஹோ ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக ஆசீர்வாத் கு பாய் சாட்சிகளாய் எழும்புவார்களாக கவாய்க்கு தோர் மே ஜெயிக்கிறவர்களாய் மாறுவார்களாக ஜீதே ஜெயவந்த் பனே நீர் அப்படி செய்கிறீர் ஐசே ஆப் கர் ரஹே ஹோ இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே இயேசுவின் நாம பிதா ஆமென் 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 என கர்மியானவர்களே மேரி பிரிய பரமேஸ்வர் கே லோகோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு நேரம் இது बहुत முக்கிய சமயம் ஹே திருவிருந்தின் நேரம் பிரபு போஜ் கா சமயம் ஹே நீங்கள் திருவிருந்துக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறவர்கள் ஜோ பிரபு போஜ் கே லியே தயார் ஹே நீங்கள் இந்த பந்தியிலே பங்கு பெறலாம் ஆப் இஸ் பிரபு போஜ் மே பாக் லே சக்தே ஹே இந்த திருவிருந்து யே பிரபு போஜ் ஜோ ஹே சபை பாகுபாடற்ற ஒரு திருவிருந்து தோ யே ஜோ ஹே பிரத்யேக் கலிஷா கே லியே நஹீ ஹே परंतु हर किसी के लिए திருவிருந்திலே பங்கு பெறுகிற எல்லா பிள்ளைகளும் जो भी प्रभु भोज में भाग लेते हैं சபைகளுக்கு போக முடியாமல் வைதானவர்கள் யாராய் இருந்தாலும் वे चाहे बुजुर्ग हैं जो कलीशा में इस वक्त में नहीं जा पा रहे ஜெபத்தோட திருவிருந்திலே நீங்கள் பங்கு பெறலாம் प्रार्थना के साथ इस प्रभु भोज में जुड़ सकते हैं திருவிருந்து ரொம்ப முக்கியமானது प्रभु भोज बहुत आवश्यक है என்னால இந்த பந்தியில் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணாதவர்களுக்கு என்னோ என்னிடத்தில் பங்கு இல்லை என்று சொல்லி இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் இயேசு ने कहा कि जो कोई भी इस தாக்கரஸ் से और इस रोटी में से भाग नहीं लेता है मेरे साथ उसका भाग नहीं होगा அப்பத்தை புசித்து திராட்சை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு அவன் என்றென்றைக்கும் அவன் பிழைத்திருப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது तो लिखा गया है जो कोई भी इस தாக்கரஸ் को पीता है और इस रोटी में से खाता है सदा के लिए वह जिएगा ஆகவே காட்டி கொடுக்கப்பட்ட ராத்திரியிலே जिस रात में यीशु को लोगों ने पकड़ा அப்பத்தை எடுத்து பிட்டு यीशु ने रोटी को उठाकर तोड़कर இதை வாங்கி புசிங்க और कहा इसमें से खाना இது உங்களுக்காய் பிக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரம் என்று சொன்னார் यह तुम्हारे लिए मेरा शरीर होगा जो बटा जा रहा है அதே போல उसी तरह அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து परमेश्वर ने कटोरी को उठाकर இதை வாங்கி பானம் பண்ணுங்கள் और कहा इसमें से आप पीना இது என்னுடைய புதிய உடன்படிக்கையின் இரத்தம் உங்களுக்காய் சிந்தப்பட்டது என்று சொன்னார் தோ இயேசு ने कहा कि मेरी नए नियम की वाचा है वाचा है आपके लिए जो भाई जाने वाली है இப்பொழுது ஒரு பாடலை பாடும் பொழுது அப்படி கீத்து जब हम गाएंगे நீங்கள் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் आप अपने आप क्लिक लेकर रख लीजिए सब चीजों को சேந்து நாம் இதிலே புசித்து பானம் பண்ணலாம் इसमें से हम खाएंगे उसी समान साथ में பாடலை பாடும் கீத்து हम सुनेंगे Praise the Lord thank you Jesus जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय ஆமென் ஆமென் என கர்மியானவர்களே மேரே பிரிய லோகோ கர்த்தருடைய ஆசீர்வதிப்பாராக பரிசுத்தமே ஆசீஷ் கரீங்க என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி மேரே மன் பரமேஸ்வர கா தன்யகர் என் முழுவலுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி மேரே மன் பரமேஸ்வர கா தன்யகர் என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி மேரே மன் பரமேஸ்வர கா தன்யகர் அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே சகல உபகாரங்களையும் கொண்ட பூல்னா நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை மேரே பிரபு இயேசு மசீஹ் கே அனுகிரகம் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பிதா பரமேஸ்வர கா பிரேம பரிசுத்த ஆவியினுடைய அன்யோன்ய ஐக்கியம் சமாதானமும் சந்தோஷமும் ஆத்துமாக்கி சங்கதி சமாதான ஒரு குஷி எப்பொழுதும் உங்களோடு இருப்பதா சதா आपके साथ बना रहे ஆமென் ஆமென் God bless you. परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे। மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கும் வரை. आपसे फिर से मुलाकात करने तक. கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பார். परमेश्वर आपके साथ रहें. ஆமென். ஆமென்.